Okay, ladies and gentlemen, so many of you were requesting me to make video on this burning topic. Okay, so the video is here. तो वीडियो है कि भाई सोशल मीडिया पर हम ब्रेकअप के बाद क्या अपनी जो पर्सनल है, जो प्राइवेट लविंग केयरिंग जो भी हमारी पिक थी, यानी कि ब्रेकअप से पहले जो हमारी पिक थी वो हम ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं या नहीं. ओके, तो देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो पिक है वो कैसी हैं. ओके, जो पिक है ना वो कैसी हैं, ऑब्सीन है, कैसी हैं, वो डिपेंड करता है. अगर सपोज ऑब्सीन है, यानी कि उसमें आप न्यूड हो या फिर कुछ ऐसी कंडीशन है जो आप नहीं शेयर कर सकते, तो उनको तो आप बिल्कुल भी शेयर ना करो. ओके, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत क्राइम है. इसमें कंसिडर किया जाता है कि आप किसी को धमकाओगे, क्योंकि न्यूड पिक तभी डालते हैं लोग, ये एज्यूम किया जाता है. ठीक है, अब आपकी सोच क्या है वो हमें नहीं पता. अब आपने सपोज गुड फेथ में डाल दिया, आपको अच्छा लगता हो, ओके, लेकिन अगली पार्टी को तो अच्छा लगेगा ना, कोर्ट को तो अच्छा लगेगा ना. कोर्ट तो ये सोचेगी इसका कुछ मतलब है, इसको किसी को इसने थ्रेट करना था, डराना था, धमकाना था, तभी इसने ऐसे पिक डाले हैं. ठीक है, तो कभी भी आप ऐसे पिक ना डालें. सपोज अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल पिक है, एक साथ के हैं, साथ में खड़े हैं, तो वो पिक हम डाल सकते हैं या नहीं. तो देखो आप डाल तो सकते हो, कोई मना ही नहीं है. ठीक है, लेकिन होता क्या है, सपोज आजकल क्या है, स्क्रीनशॉट चल रहे हैं. ओके, स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं लोग. सपोज आपने डाला, व्हाट्सएप पे डाला, स्टोरी डाली, कहीं भी डाला, स्क्रीनशॉट ले लिया. ठीक है, और इतने सॉफ्टवेयर हैं हमारे, आजकल इतने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसको एडिट कर दिया. ओके, कपड़े पहने हुए वाली पिक को न्यूड कर दिया, यानी आपके चेहरा लगा के वगैरह वगैरह कुछ भी कर दिया. ओके, यानी आपको गलत दर्शा दिया, तो आपकी तो लाइफ होगी ना, यानी आपकी तो जो इज्जत है, मान मर्यादा सब गई ना, फिर वो लड़का हो या लड़की हो. ओके, लड़की की केस में ज़्यादा हो जाती है. तो मॉरल ऑफ दिस वीडियो, कभी भी आप ऐसी कोई पिक ना डालें नेट पे. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत क्राइम है. अगर आप पकड़े जाते हो या फिर किसी को ऐसे थ्रेट करते हो, कोई भी ऑप्शन पिक्चर डाल देते हो, तो आपको 3 साल तक सजा हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है, और शायद दोनों भी हो जाए. ओके, और ठुकाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद ना करें, इन पिक विक के चक्कर में ना पड़ो. स्क्रीनशॉट और एडिटिंग आजकल बहुत चलती है. ठीक है, हर फोन में स्क्रीनशॉट लेने का मिल जाएगा आपको, एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, उनसे आप कुछ भी करवा लो. ठीक है, तो कृपया अपना ध्यान रखें, ऐसी पिक ना डालें. ओके, ब्रेकअप के बाद क्या, मैं तो कह रहा हूँ आपको ब्रेकअप से पहले भी नहीं डालना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं डालना चाहिए जो आपको पर्सनल है, जो आपको लगता है वो लीक हो सकता है. ओके, कुछ लोग पूछते हैं कि अब हमें उसको जलाना है वगैरह वगैरह, तो देखो ये सब बच्चों वाली बातें हैं. ठीक है, तो आप बिल्कुल ना डालें. आप अपने देश का कानून समझें, कल को आपको कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ को लेके चले. ओके, तो ये गलती आप ना करें. हो सके तो आप औरों को भी बताओ जो ऐसा करते हो, उनको भी सिखाओ कि भाई ऐसा ना कर, कल को आपको दिक्कत हो सकती है. ओके, और छोटी मोटी दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी वाली दिक्कत होती है. ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर. बाय.